अजीब है ना? हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। चलो आओ मेरे साथ। अरे सुनो बच्चे लोग, रुको रुको। आपने हमें बुलाया क्या अंकल? हाँ, हाँ, तुम लोगों को ही बुला रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी देखा नहीं। वो हम रेलगाड़ी खेलते खेलते यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप बताइए ये कौन सी जगह है? बहुत मजेदार है ये जगह। तुम लोग किसी से कहना नहीं, यहाँ रहते हैं खट्टा मीठा कोरमा। खट्टा मीठा कोरमा? भला वो क्या है? ये क्या, मैं इतना बड़ा कैसे हो रहा हूँ? ये सब उस खट्टा मीठा कोरमे का अजीबोगरीब आविष्कार का फल है। नहीं तो इतने बड़े बड़े गाजर, मूली, आलू कभी होते हैं क्या? बैगन से मछली फंसी, ये सोचने की बात है। आलू से रसगुल्ले बने, यही बात तो खास है। देखना है बच्चों। ये देखो आलू उबल रहे हैं। मुझे लग रहा है आलू से रसगुल्ले बनने वाले हैं। आलू के रसगुल्ले? क्या ये कभी हो सकता है? वैज्ञानिक खट्टा मीठा कोरमे की प्रयोगशाला में हो सकता है। चलो देखते हैं। अरे तुम लोग कौन हो और बताओ कि यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी प्रयोगशाला में बच्चों का कोई काम नहीं? लेकिन यहाँ बच्चों का आना क्यों मना है? नमक के डब्बे में गिर जाता है सोडा, शरारती बच्चे मुझे दे जाते हैं धोखा। माफ कर दीजिए हमें, हम यहाँ पर गलती से आ गए हैं। गलती? गलती हो जाती है। नींबू के शरबत में क्या मिलाया जाता है बताओ? नहीं पता। दो बोरी पालक। हाँ, और मलाई कोफ्ते में क्या डालना चाहिए? झींगा। अच्छा तो फिर मुझे बताइए कि हमारे दोस्त का क्या कसूर है? उसने तो आपके रंग में भंग भी नहीं डाला है, तो फिर बताइए वो मोटा कैसे हो गया अचानक? प्लीज उसे ठीक कर दीजिए, वो हमारा दोस्त है। बुद्धू हो तुम, सबके सब बुद्धू हो। क्यों क्यों क्यों, हम गुड़बक क्यों है भला? ये बताओ कि फल और सब्जियों में क्या रहना जरूरी होता है? क्या?